जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। झूठी संपत्ति और अपने आप को सच्चा साबित करना अकेले बैठकर बड़ा आसान है। चांद को भी अकेले लगता है कि उसमें कोई दाग नहीं है, लेकिन जब सामने वाला बताता है कि दाग है तब भी चांद नहीं मांगता है। सूर्य को भी अपनी ताप का नहीं भरोसा होता कि वो कितना गर्म है, लेकिन जब किसी पर उसकी गर्माइश होती है तब पता लगता है। समंदर को नहीं पता होता वो कितना गहरा है, लेकिन जब कोई उसके अंदर डूबकर अपनी जान दे देता है तब जिसका कोई व्यक्ति डूबता है उसको पता होता है समंदर कितना गहरा है। दूर से पानी बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रकार मैंने पहले भी सत्य का साथ दिया, आज भी सत्य के साथ खड़ा हूँ और सदैव सत्य के साथ खड़ा रहूँगा। और उसके साथ मेरे चंडीगढ़ शहर में, जिस पर मुझे 500% भरोसा है, उस शहर के लिए मैं आधी रात को भी जिम्मेवारी ले सकता हूँ कि मेरे शहर के व्यक्ति कैसे हैं, मेरे शहर के लोग कैसे हैं, मेरे शहर के शाम प्रेमी कैसे हैं। उसी के चलते 24 मार्च की रात को जो यहाँ हरकत हुई है, उसे हरकत ही कहूँगा, क्योंकि जब आदमी इतने ज़्यादा घमंड में हो और उसको किसी की भी बात समझ ना आती हो तो समझाने के लिए फिर सारे पहलू सामने रखने पड़ते हैं। पहली बात ये कही गई कि पैसे थोपे गए। मोंटी और तरुण की तरफ से तो मैंने मोंटी और तरुण को बुलाया कि चर्चा की बात क्या है, सत्य क्या है, क्योंकि हम लोग वो नहीं है कि जोत की कसम खाकर ही हम अपनी सत्यता निर्धारित करेंगे। आयोजक जोत की कसमें नहीं खा सकते, क्योंकि उनको हमसे भी ज़्यादा उस जोत पर भरोसा होता है जिस जोत के आगे लोगों का सिर झुकवाते हैं। मैं आपकी बात और उनके पक्ष, आज सुबह सुबह मेरे पास वो रोते हुए आए कि भैया हम अपनी बात कैसे रखें, हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि हमारी बात दुनिया तक पहुंच सके। ये पेज आज तक मैंने इस पर किसी के लिए कोई बात नहीं कही, ना मैंने किसी के लिए कही, लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर उठ ही गया है, झूठी सिंपैथी लेने की लोगों को आदत हो गई है, तो उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। तरुण जी अगली बात आपसे करेंगे। और जो पहला सवाल है कि क्या पैसे थोपे गए और किस शर्त पे पैसे लिए गए और किस करेंसी में पैसे गए थे और किस करेंसी में पैसे वापस आए थे, जरा सुनिए। ये मोंटी जी हैं, वो तरुण जी हैं। तो तरुण जी और मोंटी जी, क्या आपने पैसे थोपे थे? हमने पैसे दिए थे, पैसे दिए थे, 1,10,000 रुपये उनको एडवांस गया हुआ था फिटिंग थी, और 90,000 रुपये हमने दिए हैं, 2,000 के नोट, 45 नोट, और वो उन्होंने इस शर्त पे पैसे लिए हैं कि आप सवेरे गूगल पे 50,000 रुपये करा देना, नहीं तो आपका, मेरा कीर्तन था 26 तारीख का मोहड़ी में, तो नरेश पुनिया जी के हाथ वापस पैसे आपके आ जाएंगे। अगर कल का दिन है आपके पास, अगर कल के दिन में आपके पास, हमारे पास 50,000 रुपये गूगल पे या अकाउंट में नहीं आएंगे तो आपके पैसे वापस हम दे जाएंगे। मैं पूरे 1,50,000 रुपये लूंगा, इससे कम पैसे लूंगा नहीं। क्या तरुण जी यही बात? यही बात जी। 1,00,000 रुपये, 90,000 रुपये दिए थे वो अपने हनी जी को, जो उनका पीए है, पीए है, उनको पकड़ाए थे, और उन्होंने यही कहा था कि सवेरे तरुण तूने 50,000 डालने हैं, अगर 50,000 नहीं आए तो 1,00,000 रुपये ये वापिस कीर्तन में पहुंच जाएंगे, हम नहीं जानते किसी को, बुक तुमने कराया था तो 50,000 रुपये तुमने देने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पैसे लेके ही जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। बरसात हुई है तो क्या हुआ, तुम्हारी हुई है, हमारी नहीं, इसका मतलब यही। मैं अपने पैसे क्यों छोड़ू, मैं तो पूरे 1,50,000 रुपये लेके जाऊंगा। तो इसे थोपना कहते हैं या देना कहते हैं, ये आप देखिए।
और दूसरी चीज सामने आई कि मंडल माफी मांग रहा है। तो अब जरा सुनिए, जिन संजीव जी ने माफी मांगी थी वो किस बिहाफ पे माफी मांगी गई थी। मैं संजीव जी से निवेदन करूंगा कि आप ये बात भी शाम प्रेमियों तक पहुंचाए। सिंगला जी भी आएंगे, आप चिंता मत करिए, सिंगला जी का भी नाम लिया गया तो सिंगला जी भी जो शब्द लिए गए। तरुण का बात हो गई, मोंटी की बात हो गई, अब संजीव जी जो कि फोन पे बात कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, अब सुनिए वो माफी किस बिहाफ पे थी। राजी मेरी बात सुनो, मैं हरियाणा से कैथल से हूँ। जब मैंने एक बात कही थी ना आपको, आपने एक बात कही अंकल जी, मैंने कहा आपके पिता समान हूं मैं आपकी भावनाओं में बह गया। मैंने नहीं पता था आपने क्या कहा, मेरे करियर का सवाल है। आपने बार बार कह रहे हो, आपने क्या कहा अंकल जी, मेरे करियर का सवाल है। आप मेरे को जो ये ट्रेजरी हुई है ना चंडीगढ़ में, कृपया करके मेरा माफ कर दे। मैंने आपको क्या बोलिया, क्या बोलिया, मेरी बात सुनो राज, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग दे मेरी, फिर बात सच्ची है नहीं झूठी है तेरी। मैं श्याम जगत में भी कहता हूं बाबा तेरा माफ नहीं करेगा कहीं भी। मैं सब इससे बड़ी अदालत में लेके जाऊंगा तेरे केस को, जो बाबा श्याम की अदालत है। तने क्या कहे, मेरे पिताजी डिप्रेशन में, मेरी माँ डिप्रेशन में। मैंने क्या बोलिया, मैंने ये कहे बेटा तो फेसबुक पर आकर ऑनलाइन आकर एक बार माफी मांग ले, और जैसे तो माफी मांगेगा उसके बाद संजीव कुमार सिंगला माफी मांगेगा, भाई हमारा बच्चा था राज, कोई बात नहीं, बच्चे गलती करते बड़े माफ करते हैं। और एक बात आपने क्या बोली, क्या नाम लेकर धमकी भरे फोन आ रहे हैं मेरे पास। राज मैं अब भी आपको कह रहा हूं, मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा में बात करूंगा आपके साथ। मैं अब चंडीगढ़ की भाषा में बात नहीं करूंगा आपके साथ, मैं कैथल का रहने वाला हूं। आपने पता भी होगा मैंने आपको बोल दिया था मैं कैथल का रहने वाला हूं। आपने क्या बोलिया भाई, क्या मेरे पिताजी को और मेरी माताजी डिप्रेशन में और उनको धमकियां मिल रही हैं। मैंने आपको फोन पे भी किया था बेटा, तो उनका नंबर दे जिन्हें आप कर, नंबर तो आपके पास ही आया होगा, संजीव के पास तो धमकी नहीं आई, आपके पास ही आई, आप उनका नंबर दो मेरे को। मैं सबसे पहले ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर जाकर आपकी उनकी एफआईआर दर्ज करवा के आऊंगा, और उन आपसे कह देना मैं कॉलर पकड़ के आपको कलकत्ता से छोड़ बंगाल की खाड़ी से जाऊंगा। मैं उनको ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे ना धमकी देने वाले, मैं ऑस्ट्रेलिया से भी लेकर आऊंगा, मैं संजीव कुमार हूं। और रही बात आपकी, आपके माता पिता डिप्रेशन में, अंकल जी मेरा करियर खराब हो जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने तेरे को क्या कहा था बेटा, मैं तेरे साथ हूं, मैं हरियाणा का हूं, अगर तूने मेरी ये बाजू भी काट दी ना तो मैं दूसरी बाजू से भी माफी मांगने का दम रखता हूं। आपने माफी इनके माँ बाप से मांगी या इनसे मांगी, आपने क्या कहा। मैंने आपके माँ बाप की जब बात आ गई ना, तेरे माँ बाप डिप्रेशन में, बेटा तेरे माँ बाप मेरे भाई और बहन है, मैं उनकी वजह से आप पे माफी मांग रहा हूँ। मैं आपसे क्या कहा, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, एक बार तुम आ जा। माफी किस इस चीज की थी ना, पूरी रिकॉर्डिंग दिखा बेटा, जब बात सच्ची होगी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, झूठ का साथ नहीं। झूठ एक दिन चलती है, झूठ को तो दुबा तो सकता है लेकिन छुपा नहीं सकता। परेशानी है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि श्याम परिवार हमारा है, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे वो कलकत्ता का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे कहीं का भी हो, कलाकारों की इज्जत मत उछालो। बात आयोजकों पर आती है तो आयोजकों ने, क्या तुमने उनके लिए फ्लाइट नहीं करवाई, बिल्कुल कराई, क्या होटल नहीं कराया, बिल्कुल कराया, क्या टेंट नहीं लगवाया, बिल्कुल, क्या साउंड नहीं लगवाई, क्या म्यूजिशियन नहीं करे, करे। तो आयोजक कहाँ गलत हो गए भाई। तो मैं सिर्फ यही निवेदन करता हूँ कि ना आयोजकों को बदनाम करें, ना हम कलाकारों को बदनाम करें, ना किसी शहर को बदनाम करें। हम क्यों नहीं चंडीगढ़ जाएंगे, क्यों हम ऐसी हरकत करें कि हमें कोई बुलाए या ना बुलाए, ऐसी बात हो जाए। हमें चाहिए प्रेम प्यार से जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। आप में क्षमता नहीं थी पैसे छोड़ने की, आप मना कर दो, स्पष्ट आकर कहो कि नहीं मैं तो पैसे लूंगा साहब, मैं किस लिए बरसात के पैसे किस लिए छोड़ के जाऊंगा, मैं लूंगा। आप दोनों चीजें लेकर चलते हैं कि पैसे भी नहीं लूंगा और मंडल ने दिए भी नहीं और मुझे इज्जत भी चाहिए। ये बात पैसे की नहीं रही है, ये बात उन घरों की हो गई है। आप कहते हैं ना कि एक कलाकार का भी घर होता है, जनाब
कलाकार तो एक ही हुआ ना, 20 घरों में 3 दिन से चूल्हा नहीं चल रहा है, जिसने कीर्तन कराया उनके माँ बाप उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, उनकी पत्नियाँ उन्हें गाली दे रही हैं, उनकी बहनें उन्हें गाली दे रही हैं। सबके लिए सोचना पड़ता है, भारत है ही सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके लिए सोचा जाता है। और मैं पुनः यही निवेदन कर रहा हूँ, आप झूठी सिंपति लेने के लिए ये काम मत करो। कुछ लोग मुझे कहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, आप मुझे जो मर्जी कहिए, उसका कारण है कि सच बोलने वाले को ही दफा 295 लग जाती है, सरकार भी नहीं छोड़ती है। आप तो फिर भी जनता जनार्दन है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आयोजकों को बदनाम ना किया जाए, चंडीगढ़ को बदनाम ना किया जाए। अभी भी कोई शंका हो, कोई सवाल हो, बेटा फिर आना लाइव, फिर उसका जवाब दूंगा, चिंता मत करना, भागने वाले नहीं हैं। जय श्री श्याम।